हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 के ऑक्शन की तारीख ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और आईपीएल की नीलामी से पहले ऑलरेडी हमें एक ट्रेड विंडो ओपन होते हुए नज़र आ रही है। और आज इस वीडियो में हम आपको गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की ट्रेड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कौन सी टीम इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, इसके साथ ही आरसीबी के द्वारा दिए गए शुभमन गिल के ट्रेड के ऑफर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 से पहले चल रही इस ट्रेड विंडो में गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को ट्रेड का ऑफर दिया गया था, जहां पर सबसे पहला ट्रेड ऑफर हमें शुभमन गिल को देखने को मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर केकेआर की टीम ने शुभमन गिल को ट्रेड करने का ऑफर दिया था। लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम ने शुभमन गिल के इस ट्रेड के ऑफर को इनकार कर दिया था। और अब उसके बाद इस लिस्ट में एक और टीम का नाम ऐड हो चुका है, और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। दरअसल आरसीबी की टीम ने भी आईपीएल 2022 में अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट पर काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। फाफ डू प्लेसी के साथ अनुज रावत की ओपनिंग पार्टनरशिप आरसीबी की टीम के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं की थी, और उसके बाद विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी ओपन करते हुए नजर आए थे। लेकिन यह देखा गया था कि ये दोनों ही बल्लेबाज क्योंकि पहले अपना टाइम लेना प्रेफर करते हैं, और ऐसे में पावर प्ले में आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी का जो रन रेट था वो बहुत ही ज्यादा खराब था, और ऐसे में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी भी इस बार ओपनिंग जोड़ी के तौर पर आरसीबी में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम को आरसीबी की टीम की साइड से ऑफर किया गया था कि वो ट्रेड विंडो में शुभमन गिल को उनकी टीम में शामिल कर लें। ऐसे में आरसीबी ने उनको दो ऑप्शन दिए थे, या तो वो कैश के थ्रू उनको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आरसीबी ने कहा था कि वो किसी प्लेयर के बदले प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम के द्वारा आरसीबी की टीम के इस ऑफर के रिप्लाई में ये बोला गया कि अगर वो शुभमन गिल को उनकी टीम में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर इनको अपनी टीम से दो प्लेयर्स को देना पड़ेगा, जहां पर अनुज रावत को तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही अब यह आरसीबी की टीम से रजत पाटीदार को भी लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने रजत पाटीदार की फॉर्म लास्ट ईयर के आईपीएल में देखी हो, उसके बाद रणजी ट्रॉफी से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी से लेकर कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने 100 ना लगाया हो। तो ऐसे में रजत पाटीदार आने वाले टाइम में भारतीय टीम के भी फ्यूचर हैं, और करेंटली शुभमन गिल और रजत पाटीदार में अगर T20 फॉर्मेट में देखा जाए तो काफी ज्यादा क्लोज फाइट रहती है। रजत पाटीदार भी अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में काफी ज्यादा कम चांसेस अब लग रहे हैं कि आरसीबी की टीम रजत पाटीदार को ट्रेड करेगी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आरसीबी की टीम को शुभमन गिल के बदले रजत पाटीदार को ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।